मंगलानं च सौवेशिं परमं हवये मंगलं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद ओम नमो अरिहंतारं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जयानं नमो लोयसौवसाहूनं एषो पंच नमुक्कारो सौवपावपनाशनो मंगलानं च सौवेशिं परमं हवये मंगलं ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। एवरीबॉडी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत आज के सेशन में। पिछले सत्र के मंथन का प्रश्न था कि कर्ता से अकर्ता कैसे हुआ जा सकता है और कर्म को अकर्म कैसे बनाएं। प्रश्न काफी जटिल है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। रीता ठक्कर मैडम अपने विचार रखिए, अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, मैं विचार रखना ये चाहूंगी, हम कर्म तो करते हैं पर फल की आशा रख के करते हैं कि आज मैं ये करूंगी तो मेरा ये हो जाएगा काम। इसीलिए हम कर्म करें पर उसकी फल की आशा न रखें और हम अपना फर्ज निभाए निभाते जाएं, और हम कोई जो कर्म करते हैं उसके फल की आशा किए बिना ही हम उसको यदि करते हैं तो वो अकर्म है। ज्ञानी पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, हम सब तो नहीं कर सकते हैं। हम जो भी चीज करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ निहित होता है, हम उसे स्वार्थ की दृष्टि से ही करते हैं। मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो मुझे सहारा देगा, ये सोच के ही हम उसको बड़ा कर रहे हैं। भले हम उसको प्रेम करते हैं, हम उसको अच्छे से रखते हैं, लालन पालन करते हैं, पर हम फिर भी उसमें थोड़ा सा हमारा स्वार्थ निहित होता है। और यदि वो नहीं करता है तो हमारी अपेक्षा ऐसी हो जाती है कि नहीं नहीं वो कर नहीं रहा है, मतलब वो गलत कर रहा है। हमने जैसे चिड़िया लोग होती है अपने बच्चे को बड़ा करती है पर वो स्वार्थ के बिना ही उसको उड़ा देती है। उनको कभी वो ऐसा नहीं करती कि भाई मैं बच्चे को बड़ा करती हूँ तो वो मुझे वो करे, अपने साथ रखे। और दूसरी बात है कर्ता कर्म, जो कर्ता है वो हम है और हम कर्म की आशा से कर्म करते हैं, कोई भी हम कर्ता हुए। और यदि हम कर्म के फल की इच्छा से मुक्त हो जाएं वो अकर्ता कहलाता है। हम कोई भी फल की आशा नहीं करें तो हम अकर्ता हो जाते हैं। और हम इसी रीत से अपना काम करते जाएं जो हमारे लिए जरूरी है, पर हम फल की आशा न रखें, हम कोई भी चीज में स्वार्थ न देखें, हम कोई भी चीज के अंदर हमारा लाभ न देखें और हम अपना फर्ज समाज सेवा के लिए या किसी का भला होता है तो उसके लिए करते रहे, यही बेस्ट कर्म ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमें ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिससे हमें फल की आशा नहीं रखनी है पर हमें अकर्म करना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार रखे आपने। संगीता बेन कुछ कहना चाहती हैं इस विषय में। कर्ता से अकर्ता, यानी कि हमें संसार में रहते हुए भी जल कमल रहना है। जैसे विष्णु भगवान सोते हैं शांताकारं भुजगा शयनम, भुजग के शयन पे सोते हुए भी शांत है। इसे करता हुए भी अकर्ता रहना है, ऐसे कहे जल कमलवत रहना है। ये बात हमें समझ में आ रही है। संसार मा संसार है न मन मारी पास, संसार मा ले पाई नहीं ते जान मारो दास। संसार में रह है और संसार की आसक्ति से पर होना है। सही बात है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। ज्ञानी पुरुष की कृपा हो जाए तो अहंकार को वो पिघला देते हैं। कर्ता का सीधा संबंध अहंकार से है, अहंकार के कारण ही कर्ता होने का आभास होता है या भ्रांति होती है। सब कुछ तो हमारे वश में है नहीं, ये हमने पिछले सत्र में देखा। हमारा परम सौभाग्य है हमारे साथ HSRC एकेडमिक एंड रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री लाला भाई पटेल सर जुड़ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस विषय पर वो अपने विचार रखें। लाला सर चंद्रकांत जी,
ये प्रश्न बहुत अच्छा है और दोनों ने संगीता बहन और इन्होंने बात किया तो शास्त्र में कई बार कहा इसमें साक्षी भाव भी एक है, ठीक है, कर्म की जितना मतलब कि हम समझ पाए कि कर्ता हम 100% कर्ता नहीं है, ठीक है ना, उसके हिसाब से कर्म बंधन कम होता है, मतलब कि 100% हम शायद मुक्त ना हो सके मगर परसेंटेज वाइज वी कैन, जितना हम समझ पाए उतना उसमें कर्म बंधन कम होते हैं। एक ही क्रिया करने वाले दो आदमी है तो उसमें अलग अलग कर्म बंधन होता है क्योंकि वो अपने के कर्ता भाव की जो सज्जड़ता स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द डूअरशिप कि मेरे बिना ये हो ही नहीं सकता है तो उतना स्ट्रॉन्ग उसको कर्ता भाव रहेगा, बस इतना ही इतना कर्म रहेगा। बहुत बढ़िया सर, ऐसा भी होता है कि एक ही कर्म दो लोग कर रहे हो और दोनों का परिणाम भी अलग अलग आता है। बिल्कुल अलग आएगा ना, बिल्कुल अलग आएगा क्योंकि उसमें कर्ता भाव उसका अलग है और उसके राग द्वेष का प्रमाण क्या है उसके हिसाब से उसका एक्सपोनेंशियल परिणाम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल बराबर, बहुत बढ़िया। अब आज का जो विषय है वो है कर्म का विज्ञान, ये दूसरा भाग है। पिछले सत्र में हमने घाती कर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की जो आत्मा के ऊपर आवरण डालते हैं। इस सत्र में हम अघाती कर्म के ऊपर चर्चा करेंगे जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर ये अपना प्रभाव छोड़ते जाते हैं। तो ये जो अघाती कर्म है, ये अघाती कर्म चार प्रकार के हैं। बीच में एक गाना सुनने में आया था कुछ समय पहले, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, वो गीत में केवल ये प्रश्न ही था, उसका उत्तर मिसिंग था। आज हम उसी प्रश्न का उत्तर इसमें ढूंढ रहे हैं। तो इसके पीछे चार कारण हैं, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयु कर्म। यही हमारा देह, हमारा मन वचन काया, हमारा पूरा जीवन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कर्म कब तक रहे, उसका ड्यूरेशन ऑफ कर्मा, हाउ लॉन्ग शुड इट एग्जिस्ट, ये भी तय होता है। इसी के साथ साथ उस कर्म की इंटेंसिटी, उससे उसका अनुभाग बंध तय होता है और वो कर्म कब तक चलता रहे, कितने प्रमाण में चलता रहे। भाई पेट में दर्द तो है लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो, कुछ दर्द 5 मिनट में गायब हो जाते हैं कुछ नहरा पीने से और कुछ बहुत समय तक चलते हैं जैसे पथरी वगैरह का दर्द होता है वैसे। तो इन क्वांटिटी ऑफ कर्मा, इंटेंसिटी ऑफ कर्मा, इवन ड्यूरेशन ऑफ कर्मा, ये सब भी कर्मों के आधार पर तय होता है और हमारे जीवन में आता है। तो अब हम चर्चा करते हैं वेदनीय कर्म के बारे में। वेदनीय कर्म आत्मा के जो आनंद है, ठीक है, जो शरीर पर आधारित नहीं है, जो इंद्रियों पर आधारित नहीं है, आत्मा का आनंद बिल्कुल अलग है, परमानंद उसको समाधि की अवस्था कहा गया, उस आनंद को ये झांक देता है वेदनीय कर्म। इस कर्म के उदय से हम वेदना अर्थात सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इस कर्म के कारण आत्मा का जो अव्याबाध गुण है, अनडिस्टर्ब्ड मेंटल पीस, उसका घात होता है और इस कर्म का क्षय कर लेने पर आत्मा जो है वो अनंत सुख को पा लेती है। तो वेदनीय कर्म का स्वभाव कैसे है, वास्तव में इसका स्वभाव है वो तलवार के ऊपर जैसे शहद रखा गया हो, ठीक है। अब तलवार के धार पर शहद है, उसके चाटने से सुख तो मिल रहा है, रसना मधुर है, लेकिन जीभ कट जाने पर दुख का अनुभव भी होता है। तो इस आधार पर वेदनीय कर्म को दो प्रकारों में बांटा गया, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। इंद्रियां अपने अपने विषय का जो अनुभव करती है, जो भी इंद्रिय के सुख है और दुख है दोनों है, वो शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय कर्म का उदय है। ये बहुत गहरा कंसेप्ट है, लाला सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। मैं चाहूंगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद
हमारे आदरणीय सर भी इस पर कमेंट करें ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो शाता वेदनी हम सुख किसको कहते हैं? हम वास्तव में जो शाता है उसको सुख कहते हैं। हमारी सुख की डेफिनेशन ही अलग है। वास्तव में तो सुख वो है जो आए तो कभी जाए नहीं, जो टिक कर रहे, जो नष्ट न हो, जो हमेशा बना रहे, निरंतर आनंद देता रहे, जो शाश्वत है, वो सुख है। हमको जो थोड़ा बहुत मजा मिलता है, ठीक है ना, वो शाता की श्रेणी में आता है। ये अब एक स्पेसिफिक टर्म है जैन दर्शन की कि भाई आपको प्यास लगी है, यानी अशाता वेदनीय शुरू हो गया। अब ठंडा पानी आपको मिल गया, शीतल जल मिल गया, आपको बहुत अच्छा लगा, सुख लगा, तो ये वेदना, वेदनाओं का शमन, ये ही शाता है जिसको हम भ्रांति से सुख मान के बैठे हैं। यदि वो सुख होता तो फिर पानी पी लेने के थोड़े देर बाद दूसरा गिलास आता है तो हम मना कर देते हैं कि अभी पानी पिया, सुख उसमें नहीं है। धूप में चलने के बाद किसी छतनार वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और जो शीतलता का अनुभव हो उसमें सुख है, लेकिन वहीं बैठे रहे क्या उसमें सुख है? उसमें नहीं है। तो राग द्वेष के निमित्त से वेदनीय कर्म का उदय होता है और ये इंद्रिय जनित सुख और दुख का अनुभव कराता है। राग द्वेष तो है ही जीव के अंदर, ठीक है, और उसके कारण वो किसी चीज को अच्छा और बुरा समझता है। वैसे एक ही वस्तु किसी को बुरी मालूम पड़ती है तो किसी को अच्छी मालूम पड़ती है, सर्कमस्टांस के ऊपर वो निर्भर करता है। तो शाता और अशाता वेदनीय के बारे में लाला सर आप प्लीज कुछ कमेंट्स कीजिए ना। हाँ, आपने बताया वो सही है कि जिसे हम सुख कहते हैं उसे शास्त्रकारों ने शाता कहा है। हम नॉर्मली इंद्रिय सुख को सुख कहते हैं, पर इन्होंने बहुत उंडी विचारणा करके, जैसे अगर आपने योग वासिष्ठ रामायण में भी पढ़ा हो तो रामचंद्र जी को उनके गुरु जी पूछते हैं कि रामचंद्र जी आप शाता में हो क्या? हाँ, तो रामचंद्र जी ने जवाब उत्तर दिया था कि देहदारियों ने शाता क्या थी हो, जिसने देह धारण की हो उसको कभी सुख नहीं हो सकता है। दिस वॉज रामचंद्र भगवान का वो उस वक्त जमाने में रिप्लाई था। तो आगे आप इसमें हम लोग सोच सकते हैं, देखिए हमेशा जो हमारी इंद्रियां हैं बराबर, पांच इंद्रियां, वो कुछ ना कुछ वेदना में ही रहती है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। इच्छाएं मतलब कि कुछ वेदना है इसलिए इच्छा होती है, जैसे अभी समझाया गया। अब उस वो वेदना के वक्त अगर हमारे पुण्य का उदय है तो उसके शमन का उपाय मिलेगा। मानिए कि तृषा लगी है तो आपको ठंडा जल मिला, या तो धूप लगती है तो छतनार वृक्ष के नीचे आप बैठे हो, राइट, तो आपके पुण्य पर आधारित है, तो फिर उसमें आपको वेदना शमन होती है इसलिए आपको सुख लगता है। तो जिसे हम सुख कहते हैं वो वास्तव में ज्ञानियों की भाषा में वो शाता है। और एक दूसरी बात कि जो सही में सुख किसे कहा गया कि जो स्वाधीन हो, किसी पर आधारित न हो, कायमी हो, राइट, इसे उब न जाए, इसका ये पूरा उसको सुख है। इसलिए ऐसा गुण तो केवल आत्मा में ही है। तो यहाँ जो हम लोग सुख शब्द यूज करते हैं वो व्यवहार से कहते हैं वो ठीक है, मगर अंदर से हमें समझना है कि वो सुख जो जिसे हम सुख कहते हैं वो एक्चुअली वो शाता है, मतलब कि टेम्पररी शमन है, नहीं तो वो फिर से नहीं तो खड़ा नहीं होगा वो, अरे उससे उब भी नहीं जाएंगे। और जैसे शहद का एग्जाम्पल दिया गया, अगर आप कोई भी भौतिक सुख इंद्रिय सुख को अगर अमुक मात्रा से ज्यादा अगर उसको उपभोग करोगे तो जैसे शहद वाली तलवार है ऐसा अनुभव डेफिनेटली होगा आपको, उसे खुद उससे उब जाओगे आप, या कोई उसकी साइड इफेक्ट भी होगी। तो ऐसा इस तरह से सुख शाता वेदनीय को समझाया गया है। थैंक यू चंद्रकांत, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सच्चिदानंद। तो हमने देखा कि शाता वेदनीय ये इंद्रिय सुख है जो शाश्वत नहीं, परमानेंट नहीं है, और लाला सर ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया कि इससे व्यक्ति ऊब जाता है, वो उसको कुछ समय तक ही समाधान देता है, बाद में फिर उसको उसी में भी कंटाला आता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो वहां समझ लेना चाहिए कि ये शाता वेदनीय है। अब इसके बंध के कारण क्या है? शाता वेदनीय कर्म का उदय होता है जीवों पर दया करने से। आपने सबके प्रति दया रखी
तो आपको भी दया की अवश्य प्राप्ति होगी। दान करना, संयम पालना, लोभ नहीं करना, वात्सल्य रखना, संत मुनियों, शिक्षक, गुरुदेव, इनकी सेवा करना, व्रतों का पालन करना, क्षमा भाव रखना और तमाम शुभ कर्मों से शाता वेदनीय कर्मों का उदय होता है। मेरे ख्याल से इसी कारण हिंदुस्तान में हमारे यहाँ तो दया धर्म को बहुत माना गया है कि भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो। इसलिए हमारे यहाँ भूखमरी के उदाहरण बहुत बहुत रेयर है। सबकी कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाती है। किसी ने रिक्शा ली है या कोई भिक्षा मांगने वाला हो उसको भी खाने की व्यवस्था हो जाती है। मतलब उन्होंने अपने जीवन में दया रखी और परिणाम स्वरूप उनको जब भूख लगी तब अन्न की व्यवस्था उनके कर्मों के कारण हो गई। इसी प्रकार अशाता वेदनीय के भी बंधन होते हैं। इसका उदय होता है जब दया का अभाव हो, ठीक है ना, शोक करें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं कि तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, इससे आर्त ध्यान होता है। हिंसा करना, किसी को मारना, वध करना, तमाम अशुभ कार्यों से अशाता वेदनीय कर्म का उदय होता है, ठीक है ना। यानी कि किसी को इंद्रिय दुख दो तो आपको अशाता कर्म का बंधन लगता है, किसी को इंद्रिय सुख दो तो शाता वेदनीय कर्म लगता है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। माने अभी कोई कोई अभी धूप की सीजन में कोई प्याऊ की व्यवस्था करते है, रास्ते में जाने वाले को पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, तो उसको ये सब ऐसा उसको इंद्रिय सुख हमेशा मिलेगा। ये सिंपल सिद्धांत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इंद्रिय दुख दोगे तो इंद्रिय दुख मिलेगा। वेरी सिंपल, बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बढ़िया। अब दूसरा है आयु कर्म। इस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है, उसको कहते हैं आयु कर्म। यानी किसी शरीर में रुके रहने की जो अवधि है उसका नाम है आयु कर्म। जैसे किसी घोड़े के पैरों में लोहे की जंजीर बांध दी, अब वो कहीं जा नहीं सकता, ठीक है ना, वो जंजीर उसको बांधे रखती है। वैसे ही मनुष्य के शरीर में जीव निश्चित समय तक रहता है। जैसे ही आयु कर्म का क्षय हुआ तो हमारी आत्मा इस देह को छोड़कर किसी अन्य शरीर में चली जाएगी। इस आयु कर्म की चार प्रकृतियां होती है, देव आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु और त्रियंच आयु कर्म। अब इसका हिसाब समय के साथ साथ ज्यादा मेरे ख्याल से वो सांसों पर होता है। सभी जीवों को निश्चित स्टॉक ऑफ सांसें दी गई है। उतने सांसें समाप्त होने के बाद आत्मा उस शरीर से निकल जाएगी। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए ध्यान में, योग में सांसों पर नियंत्रण इसका बहुत महत्व है। कोई व्यक्ति जब गुस्से में होता है, उसको गुस्सा आता है, तो श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यानी हमको जो कोटा दिया गया था उसमें से ज्यादा सांसों का उपयोग कर लिया। इसीलिए ये कषाय से सावधान रहने की आवश्यकता इसी कारण है, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव आयु के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तीसरा जो कर्म है शरीर से जुड़ा हुआ वो है नाम कर्म। अब ये बहुत बड़ा है। जिस कर्म के उदय से अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जैसे हमने देखा है कोई बहुत हैंडसम है, कोई कम सुंदर है, कोई बहुत बलवान है, किसी का शरीर कमजोर है, कोई दिव्यांग है, अपाहिज है, तो ये तमाम जो रूपक में आते हैं उसके पीछे है नाम कर्म। जैसे चित्रकार अनेक चित्र बनाता है, उसी प्रकार ये हमारा नाम कर्म भी हमारे देह की रचना करता है, ठीक है। इसीलिए हम सब लोग अलग अलग है क्योंकि सबके कर्म अलग अलग है। जैसा नाम कर्म का उदय होगा वैसा ही वह रूपक में आएगा। हमने ये भी देखा है कि किसी की आवाज बहुत मीठी होती है, मतलब उसके सुस्वर नाम का कर्म का उदय हुआ है।
अभी नाम कर्म की सबसे ज्यादा 93 प्रकृतियां होती है। अकाकिया कर्म है ये, और इसका संबंध शरीर की रचना से है। तो हम किसी को दोष दे नहीं सकते। मुझे एक बात का स्मरण होता है, व्यक्तिगत उदाहरण के तौर पर एक बात याद आ रही है कि मेरे जो बड़े पिताजी थे, उनको बहुत समय तक, 1940 में जन्म हुआ उनका, 80 साल तक वो जीवित रहे, लेकिन वो पोलियोग्रस्त थे। एक उनके जीवन भर उनको इस बात का मलाल रहा, ठीक है, शायद ये थ्योरी उन तक पहुंचती तो अंत समय में उनकी भ्रांति दूर हो सकती थी। वो हमेशा सोचते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और अब इसका दोष वो फिर अपने माता पिता पर जड़ देते कि मैं बचपन में था तो शायद मेरा ठीक से ध्यान नहीं रखा गया, उनके ही कारण मुझे हुआ। आप देखिए ज्ञान कितना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए शोक में, चिंता में उनका काफी समय बीता। नाम कर्म के बंध के कारण क्या है, अब ये क्यों होता है? मन वचन काया को सरल रखना, शुभ भावनाएं, इनसे शुभ नाम कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। और मन वचन काया को कुटिल रखना, दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी हंसी उड़ाना, नकल करना, उनको आपस में लड़ाना, इससे अशुभ नाम कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। तो ये बहुत महत्व की बात है। हम अन्य को दोष दे ही नहीं सकते। हमको जो मिला, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमारा शरीर जो है ये हमारे कर्मों की गठरी है। हम किसी अन्य पर उंगली नहीं उठा सकते कि इनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, दादा भगवान ने भी कहा है कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर यूर सेल्फ। 100% जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, अच्छा हुआ तो मेरे कारण हुआ, और कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार कोई और है। और इस भ्रांति के कारण फिर दुख और बढ़ जाता है। यदि समझ में आ जाए तो उतनी चिंता जीवन में से निकल जाएगी। तो जिसका मन वचन काया कुटिल हो, सरल ना हो, लाइफ इज बूमरैंग, कोई कपट करने वाला हो, अपनी प्रशंसा चाहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति तो नरक गति नाम के अशुभ नाम कर्म को बांधता है। और इससे जो विपरीत स्वभाव वाला है, जो सरल है, दुनिया ने अपने अपने अलग ही नियम बना लिए, लोग बहुत जल्दी जजमेंट पर आ जाते हैं कि बोले सीधों की दुनिया नहीं है। अरे भाई, ये लोग भी और परलोक भी सीधे लोगों का ही है। भले हमको कुछ समय के लिए ऐसा लगे कि भोले लोग, सीधे लोग, इनको छला जाता है, इनके साथ बुरा होता है, वास्तविकता वो नहीं है। जिसका मन वचन काया सरल है, जो सीधा है, निष्कपट है, उसके साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। पिछले भव का जो लेकर आया है उतना उसके कर्म खप जाए तो फिर तो उसका जो आयुष्य है वो बहुत बढ़िया, उसका जीवन अति उत्तम हो जाता है। नाम कर्म की अलग अलग पिंड प्रकृतियां हैं। गति नाम कर्म तो हमने विस्तार से देखा चतुर्गति सेशन में, ठीक है ना, कि हम अभी मानव जीवन के रूप में चार रास्ते पर खड़े हैं, और हमारे कर्म तय करेंगे कि हमको इस चौकड़ी में से कौन सा रास्ता मिलने वाला है। या तो नरक गति अशुभ कर्मों के कारण, या ज्यादा चिंता और शोक करने के कारण तिर्यंच गति, पशु पक्षी, वो ऐसे लगता है हमको कि पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में, है ना, वो देखने की हमारी दृष्टि है। लेकिन एक पशु पक्षी को कितनी चिंता होती है, कितना संघर्ष है, कितनी तकलीफ है, ये तो उस गति में जाकर ही शायद अनुभव कर सके कोई, क्योंकि वो दाना भी चुगता है तो 20-25 बार इधर उधर उसको देखना पड़ता है, कहीं कोई हंटिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद पेड़ देखना, उस पर घोंसला बनाना, हाँ, अपने बच्चों को जन्म देना, उनकी रक्षा करना, एक एक दाना चुन कर लाना, और इसी चिंता में उसका पूरा का पूरा आयुष्य चला जाता है। पक्षी गति तब मिलते हैं जब कोई अत्यधिक चिंता करता है, और दादाजी कहते हैं चिंता ये तो अहंकार है। चिंता वो ही करता है जो ये समझता है कि मैं करता हूं, मेरे करने से होगा, इसलिए वो चिंता करता है। चिंता आ मोटा मोटा अहंकार से,
मेरे हाथ में वो सत्ता नहीं है तो चिंता होगी नहीं, क्योंकि कई संयोग जब इकट्ठे होते हैं उसमें एक संयोग में, और ये मान के चलू कि मेरे कारण ही वो हुआ, तो फिर तो बाकी संयोगों का कोई प्रभाव ही नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसे इस चार रास्ते पर मनुष्य गति है, यहाँ पर न्यूट्रल है, सुख दुख मिक्स गति, तो वो पाप पुण्य ठीक है, उसमें फिर मनुष्य गति का नाम कर्म बनता है, और केवल पुण्य है तो फिर देव गति का नाम कर्म बनता है। अब एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे दी गई है कि जाति नाम कर्म, मनुष्य जीवन में भी ये हमारे हाथ में है कि हम किस स्पेसीज में जाएं। अध्यात्म का ये विज्ञान बड़ा अद्भुत है। आप देखिए पांच इंद्रिय हमारे पास है, ठीक है, लेकिन जीव में तो एक इंद्रिय जीव भी होता है, दो इंद्रिय वाले जीव भी होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कर्मों के आधार पर भी हमारा जाति नाम कर्म का उदय होगा, तो उस उतने इंद्रिय के स्पेस प्रजाति में फिर हमारा जन्म होगा। अब एक इंद्रिय जाति कौन सी है, एक इंद्रिय जाति यानी केवल स्पर्शन, केवल त्वचा, जहां एक ही इंद्रिय है, जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पति काय जीव, उनमें एक ही इंद्रिय होता है, ठीक है, जिसने घूम फिर कर जगह जगह जाकर पाप कर्म किए, पाप कर्म को फैलाया हर जगह जाकर, हर जगह, तो फिर उसको वनस्पति काय स्थावर जीव प्रदान किया जाता है कि बस अब एक जगह पर आप खड़े रहो। दो इंद्रिय में आते हैं स्पर्शन और रसना, ठीक है, त्वचा और स्वाद जुबान, तो उन्हें बे इंद्रिय जीव कहते हैं, जैसे कि लट सीप शंख घोंघा, ठीक है, घुन दीमक, ये दो इंद्रिय वाले जीव है। तीन इंद्रिय वाले जीव, अब इनको तीसरा इंद्रिय प्रदान किया गया है, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति। तो तीन इंद्रिय वालों के उदाहरण हम लें तो चींटी इल्ली कीड़ी मकोड़ा जूं खटमल लीक आदि जीव, ये तीन इंद्रिय वाले। चतुर इंद्रिय जीव, अब इसमें और एक इंद्रिय ऐड हुआ, वो है चक्षु। अब इनको अभी तक कान नहीं मिले हैं, देखिए इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, ऐसे जीव चौरेन्द्रिय जीव कहलाते हैं, जैसे कि मक्खी मकड़ी मच्छर भौंरा टिड्डा बिच्छू आदि। और फिर आता है पंचेंद्रिय जीव, और पंचेंद्रिय जीव में भी पांच इंद्रिय मिलकर भी इनमें कैटेगरी है, स्थलचर जलचर और आकाशचर, ठीक है। तो मछली मगरमच्छ गाय भैंस बकरी खरगोश तोता चिड़ी कबूतर आदि जो है वो पंचेंद्रिय जीव है। हमारे कर्म तय करेंगे, यदि हमने किसी इंद्रिय का अत्यधिक बुरा उपयोग किया तो फिर वो ही इंद्रिय अगले जन्म में उतना ही इंद्रिय मिलेगा, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया इसमें होती है। आगे है शरीर नाम कर्म, किस प्रकार का हमको देह मिले ये भी हमारे कर्म तय करते हैं। औदारिक शरीर मिले या वैक्रयिक हो या आहारक हो या तेजस शरीर हो या कार्मण शरीर हो, हाड़ मांस देह के शरीर को कहा है औदारिक, ठीक है, इसमें रक्त मांस हड्डियां होती है। वैक्रयिक शरीर तो कर्पूर जैसा होता है, वो घुल जाता है विलीन हो जाता है, इस प्रकार ये अलग अलग अन्य शरीर है वो भी अपने कर्मों से उनका उदय होता है। फिर है बंधनाम कर्म और संघात नाम कर्म। तो ये ज्यादा गहराई में न जाते हुए हम इतना जान लें कि हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे शरीर की रचना, किस प्रकार का शरीर हो ये तय होता है। आगे है संस्थान नाम कर्म, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए हैं, आप देखिए कि कर्मों के आधार पर हमें ऐसा शरीर मिलता है। पहला जो है वो है समचतुरस्त्र संस्थान, इसमें
बॉडी जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है, ऋषि मुनि एनलाइटेंड पर्संस, ठीक है, इनका जो शरीर होता है उसमें लंबाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होती है और वो बिल्कुल ठीक ठीक बना होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है न्यग्रोध संस्थान, इसमें ऊपर का शरीर जाड़ा होता है और नीचे का आधा हिस्सा वो पतला होता है। तो इसी प्रकार से साधी संस्थान, पूरा का पूरा शरीर पतला। वामन संस्थान, इसमें मनुष्य की ऊंचाई कम होती है, गुटका होता है वो, ड्वार्फ होता है, तो वामन संस्थान नामक कर्म का उसका उदय हुआ। फिर है कुब्ज संस्थान, अपने शरीर से बहुत अधिक पाप कर्म किए तो फिर वो शरीर में विकृतियां आ जाती है। और अंत में है हुंडक संस्थान, तो हुंडक संस्थान में तो ये वक्रताएं बहुत अधिक है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा विकृति है। इस प्रकार कर्मों के आधार पर अलग अलग शरीर का निर्माण होता है। अब यहाँ एक बात जो हम अवश्य गौर करें वो ये है कि हमको तो पता चल गया कोई हुंडक संस्थान में है, तो उसके प्रति हमारे मन में ये भाव न हो कि ये तो पापी आदमी है, वो बेचारा अपना कर्म खपा रहा है, अभी उसने जो कुछ किया उसके बदले में उसको वैसा सब मिला, तो हमको वहां पे जज बनने की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान का दुरुपयोग हो जाएगा। हमको तो उसके प्रति दया ही रखनी चाहिए। वितराग एनलाइटेंड पीपल वो जब कहते हैं कि जगत निर्दोष है, तो उसका तात्पर्य इसी बात से है कि सब लोग अपने अपने कर्म भुगत रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको हम दोषी के दृष्टि से ना देखें। और ये जो थर्मामीटर है, ठीक है, ये थर्मामीटर का उपयोग हम अपना बुखार नापने के लिए करें तो वो सबसे बढ़िया है, उससे हमको सुख मिलेगा, लेकिन दूसरे के लिए हम ये अप्लाई ना करें। वो तो बेचारा दया का अधिकारी है, यदि उसको अपने कर्म खपा रहा है तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण सहानुभूति वाला होना चाहिए। आगे है फिर वर्ण नाम कर्म, ये बहुत गहन अभ्यास है। आप देखिए अंत में कंक्लूजन यही निकलेगा कि फॉर ईच एंड एवरीथिंग द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स, हम दोष नहीं दे सकते। साइंस जो एक्सप्लेनेशन करता है हमारा बायोलॉजी या फिजियोलॉजी, ठीक है ना, शरीर शास्त्र, वो तो तात्कालिक कारण बताता है कि भाई इसमें ये विटामिन की कमी है या इसमें ये बैक्टीरिया या ये वायरस की वजह से हुआ है, वो तो तात्कालिक है, ठीक है, सुपरफ्लुअस रीजन है। पीछे के जो रीजन है स्पिरिचुअल साइंस के, वो बहुत गहरे छिपे होते हैं। तो वर्ण नाम कर्म से क्या होता है कि उस शरीर में वैसी ऑरा उसको मिल जाती है, या कृष्ण नीला लाल पीला या श्वेत, जैसे कर्म रहेंगे वैसे ऑरा का निर्माण हो जाए। गंध नाम कर्म, तो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति से मिलने पर आप पॉजिटिव महसूस करते हो, एनर्जी बढ़ जाती है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, मुस्कान आ जाती है चेहरे पर, वैसे उसका ऑरा होता है। गंध नाम कर्म ये शरीर को गंध प्रदान करते हैं। रस नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर में रस हो, या उस शरीर को तीखा कटु कषाय आम्ल या मधुर इसमें रुचि हो, ठीक है, उस आधार पर ये रस नाम कर्म का उदय होता है। सभी के स्पर्श भी अलग अलग है ना, तो स्पर्श नाम कर्म का उदय ये तय करता है कि वो शरीर का स्पर्श औरों को कैसा लगे, कर्कश लगे, मृदु स्पर्श लगे, भारी हो, हल्का हो, ठंडा हो, गर्म हो, चिकना हो या रूखा। देखिए कितना अद्भुत और कितने जड़ तक हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक पहुंचे हैं। अधिक गहराई में नहीं जाएंगे हम, यहाँ पर संक्षेप में मैं ये कह दूं कि यहां तक कि हमारे हड्डियों की जो रचना है वो भी कर्मों के आधार पर होती है। यहाँ अलग अलग रचनाएं दी गई है और उनका अलग अलग नाम भी दिया गया है, ठीक है, ये इससे हम इतना ही जाने कि कर्मों के आधार पर हमारे स्केलेटन का भी निर्माण होता है। अब नाम कर्म की
28 अपिंड प्रकृतियां है, ठीक है, इसमें से गिने चुने हम देख लेंगे कि सुस्वर नाम कर्म, सुस्वर कर्म के उदय से किसी की आवाज बड़ी मधुर होती है। ऐसे लोग गायक बन के बहुत यश कीर्ति पैसा कमाते हैं, ये उनके, इन्होंने हमेशा मीठा बोला, अच्छी चीजों की प्रशंसा की, बढ़िया चीजों को प्रोत्साहन दिया, तो उनके सुस्वर नाम के कर्म का उदय होता है। ऐसा ही फिर इसका अपोजिट है दूस्वर नाम कर्म, हमेशा शिकायत, चिंता, गालियां, अप्रशंसा, ठीक है, उससे हमारी आवाज बिगड़ जाती। आधेय, जिसके उदय से कांति सही शरीर को, और उसका विरोधी अनादेय, जिससे शरीर कांतिहीन हो, दाग धब्बे हो, ठीक है ना। यश कीर्ति नाम कर्म, इसके उदय से, इसका उदय अवश्य होता है, जिसने यश नाम कीर्ति कर्म बांध लिया, ठीक है, वो यदि कुछ नहीं करेगा या कोई छोटा सा काम भी करेगा तो भी उसको यश दिया जाएगा। दादा भगवान इसके बारे में कहते थे कि हमारे यश नाम कर्म का उदय होता है, ठीक है ना, तो लोग हमको क्रेडिट देके चले जाते हैं कि दादा भगवान आपके कारण, आपके आशीर्वाद से मुझे ये मुसीबत से, ये अड़चन से मुक्ति मिली। तो कहते थे उसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो भावना की बस, लेकिन वो पूरा क्रेडिट मुझे देते थे। मतलब क्या है इसका, कि कहते थे मेरे यश कीर्ति नाम का उदय हो रहा है। एक उदाहरण हम देखें तो एक विचित्र लगने वाले एक उदाहरण है, झारखंड में आदिवासी इलाके में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक 11 साल का बच्चा। अब आप देखिए यश नाम कर्म का उदय कैसे होता है, वो संयोग कैसे बनते हैं, है ना, अचंभित लगने वाली बात है ये। तो गांव में भी शायद उसको कोई ना पहचाने, ऐसा वो लड़का था, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज छात्र, ठीक है। अब एक दिन टीचर ने उसको कहा कि तुम गाना गाओ, उसने गाना भी ऐसा भूला बिसरा कम पॉपुलर चुना, और वो गाना उसके शिक्षिका ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बच्चा तो आदिवासी है, घर में कोई साधन नहीं, झोपड़ी में रहने वाला, वो गीत उसने गाया, टीचर ने रिकॉर्ड कर लिया, और वो गीत रिकॉर्ड करने के बाद वो टीचर ने अपने फेसबुक में शेयर किया। अब वो इतना ज्यादा वायरल हुआ, इतना अधिक लोगों ने उसको लाइक किया, आपने भी अवश्य देखा होगा, वो अपने टूटी फूटी आवाज में गा रहा था, बसपन का प्यार मेरा बोल नहीं जाना रे, नॉर्मल गीत है, गुजरात के किसी ओरिजिनल गायक ने गाया, उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, जिसने अच्छी आवाज में संगीत के साथ पूरे अपने ग्रुप ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया, उसको पहचान नहीं मिली, वो बेचारा अहमदाबाद के कोने में एक स्टूडियो में ही रहा, लेकिन ये बच्चा उसका गाया हुआ गीत इसने दोहराया और ये पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया, और इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि उसको मुंबई से बड़े बड़े गायकों ने बुलाया कि भाई आज हमारे स्टूडियो में आप ये गाना गाओ। उसके यशनाम कर्म का देखिए उदय हुआ। कर्म का उदय जब होता है तब वो ये नहीं देखता कि भाई इसके पास वो पहुंच सकेगा या नहीं, वो झारखंड के बहुत दुर्गम भाग में रहने वाला, टेक्नोलॉजी से दूर, अब वो यूट्यूबर बन के अच्छा खासी उसकी कमाई भी हो जाती है। तो प्रकृति कुदरत की जो लीला है वो इस प्रकार है। वैसे ही फिर अयश कीर्ति नाम कर्म, आपने अभी बहुत अच्छा किया हो, आप बहुत अच्छे हो, फिर भी किसी न किसी केस में फंस गए, झूठे केस में आप पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब ये सोच सोच के दिमाग पगला जाता है, कई लोगों का भगवान से भरोसा उड़ जाता है कई लोग कर्म के सिद्धांत को ही नकार देते हैं क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये है फिर अयश कीर्ति नाम कर्म, जिसके उदय से संसार में जीव की तारीफ ना हो, है तो कर्म का उदय ही, वो उस समय बच गया लेकिन वो रजिस्टर तो हो गया ना, कुदरत ने उसको रजिस्टर किया, ये कुदरत का न्याय है। इसलिए दादा कहते हैं जो हुआ सो न्याय,
और कुदरत का न्याय जो है वो परफेक्ट है। लौकिक के न्याय में गड़बड़ धांधली हो सकती है, करप्शन हो सकता है, उधर के न्याय में कोई करप्शन है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसीलिए उसका स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ के जगत के न्याय में गड़बड़ हो सकती है, और जगत का न्याय जो है उसकी लिमिटेशंस है, उसकी मर्यादाएं हैं। एक व्यक्ति जिसने एक मर्डर किया हो उसको फांसी की सजा मिलती है, और चार मर्डर किए हो तो भी फांसी की सजा, ठीक है ना, सजा तो एक ही है, जबकि उसके गुनाह की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो कुदरत ऐसे काम करती है कि जितना अधिक इंटेंसिटी है उतनी ही ज्यादा इंटेंस कर्म का उदय होगा, उतना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जेल भले उसको 14 साल के बाद रिहा कर दे, अलौकिक में जो कायदा है वो इस प्रकार है कि इसके कर्म का इंटेंस, कर्म की इंटेंसिटी कितनी है वो हिसाब से फिर उसको उसके अगले जन्म में उसको उतना भुगतना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट सिस्टम है। निर्माण नाम कर्म, अब इससे हमने देखा कि शरीर के अंगों पांगों की ठीक ठीक रचना हो। तीर्थंकर नाम कर्म, ये तो बहुत ऊंची चीज है और इसमें अरहंत पद का कारण हो। हमारे श्रीमंदर स्वामी जी का ये तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ, ठीक है ना। स्थावर नाम कर्म, इसके उदय से एकेंद्रिय में जन्म हो, इसलिए इंद्रियों इंद्रिय कर्म बहुत मायने रखते हैं, वरना डिमोशन का भी इसमें चांसेस है और प्रमोशन का भी है। कुदरत ने दोनों रास्ते खुले रखे हैं और पूरा का पूरा कर्म का अधिकार दे दिया है। आप किसी को गाली दो कोई बोलने नहीं आएगा, क्यों, किसी को मारो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, गुनाह होते हैं ना, है कि नहीं। वहां भगवान डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, जैसे ही मर्डर कर रहा है तो उसका हाथ पकड़ लिया, कोई नहीं पकड़ेगा। कर्म का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर कर्म फल भी अवश्य भुगतने पड़ते है, उससे छुट्टी बिल्कुल नहीं है। और सूक्ष्म नाम कर्म एक अपिंड प्रकृति है जिसके उदय से सूक्ष्म शरीर हो जाए, बैक्टीरिया तक हो जाए। हमने देखा है हम यहां तक जो पहुंचे हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन है शास्त्रों में, तो स्टेप बाय स्टेप उत्क्रांति होते हुए ही मनुष्य लेवल तक पहुंचे। यहां आने के बाद फिर और अधिक कॉन्शियसनेस के लेवल है। मनुष्य में भी पशु से गए गुजरे लोग भी है, साधु संत है, मुनि है, गृहस्थ है, प्रमाण सबका अलग अलग है, तो सब अलग अलग लेवल पर है। पंचेंद्रिय सभी को सभी के पास है, सभी मनुष्य है, लेकिन कॉन्शियसनेस का स्तर अलग अलग है। दादा भगवान कहते थे 14 लाख लेवल्स हैं मनुष्यों में, और यदि कोई अध्यात्म विज्ञान की ओर मुड़ता है तो ये मान के चलिए कि 13 लाख लेवल पर वो है। अभी ज्ञानी पुरुष से किसी का साक्षात्कार हो चुका है तो उसने 13,50,000 के ऊपर के पायदान पर वो विराजमान है। देखिए आगे और भी लेवल है, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, हम समझ लें इसको। अब आगे है गौत्र कर्म। तो गौत्र कर्म का ताल्लुकात है कि व्यक्ति का जन्म किस खानदान में हो, किस घराने में हो, ठीक है ना, उसका गौत्र कैसा हो, वो किस वंश में जाए। इस कर्म के उदय से या तो वो धार्मिक लोक पूज्य बड़े घरों में जन्म लेता है, अच्छा आचरण रखने वाले, पाप न करने वाले, ठीक है, प्रशंसा करने वाले, कभी दूसरों की निंदा न करने वाले, ऐसे गणमान्य वंश में उसका जन्म होता है, या तो फिर दूसरे नीच गोत्र कर्म में उसका जन्म होता है। कर्म के आधार पर जो लोक निंदित है, जो हिंसक है, जो दुराचारी है, दरिद्री है, ऐसे कुल में, तो हिंसा, चोरी, झूठ, घमंड, दूसरों की निंदा करने वाले इस गोत्र में जन्म लेते हैं। तो है तो हमारे ही अधिकार में है ना, लेकिन अक्सर होता क्या है,
व्यक्ति भगवान को दोष देकर और बड़ा कर्म बांध लेता है, क्योंकि जो दोषी नहीं है उस पर आरोप करेंगे तो और भी बड़ा, और उससे जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाती है। इसीलिए ये ज्ञान जान लेने पर इतना तो हम करें कि नए कर्म के चार्जिंग न हो, जो हो चुका उस वो अकाउंट तो हम अभी क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अब पिछली उधारी अब तक तो चुकी नहीं और ऊपर से और नई 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 उधारी कर लिए, तो ये कर्जा फेरना तो है ही, कर्ज से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। जो कर्ज लिया है उसको चुकाना है, अकाउंट क्लियर करना है, तो कम से कम फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछला अकाउंट चुकता करते करते अभी नई उधारी सर पर ना आए, ताकि व्यक्ति चैन से जी सके। ठीक है ना, इस उदाहरण को आप आध्यात्मिक लाइफ आध्यात्मिक जीवन में रखकर देखिए। ठीक है, जो जीव अरिहंत आदि पांच परमेष्टियों में भक्तिवंत हो, वितराग कथिक शास्त्र में प्रीति रखता हो, पढ़ना विचार करना सद्गुणों का पालन करता हो, वो जीव ऊंचे गोत्र में जन्म के कर्म को बांधता है, और इससे विपरीत चलने वाला जो है वो नीच गोत्र को बांधता है। तो हम कहां जाएं, ठीक है ना, उसका पूरा पूरा अधिकार हमारे ही हाथ में है। कर्म को इसीलिए भगवान कृष्ण ने बहुत अधिक महत्व दिया है कि ये बूमरैंग है। आपको कुदरत का काम समाप्त हो गया, कुदरत ने पांच इंद्रिय दे दिए, विवेक दिया, अंदर गहराई में आत्मा को भी छुपा दिया, ठीक है, संवेदनाएं दी, इमोशंस दिए, बुद्धि दी, मन दिया, ठीक है, चित्त दिया। अब हम कषाय में उलझकर क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, स्वार्थी बनकर अपने ही बारे में सोचकर बुद्धि का दुरुपयोग करके, अधिकार तो हमारा है इसलिए हम दोष नहीं दे सकते, बुद्धि कुदरत ने दी उसका प्रयोग कैसे करें, ठीक है ना, वो तो हमारे अधिकार में है। और इसीलिए अच्छे से रहना, सद्गुणों का पालन करना, इनका बहुत अधिक महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछ लिया कि मैं बुरा कर्म क्यों ना करूं, बताइए, यदि मेरा लाभ होता है तो मैं चोरी क्यों ना करूं, डाका क्यों ना डालूं, मुझे शांति मिलती है तो मैं लोगों को गालियां क्यों ना दूं। स्वामी जी ने उसका बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा अधिकार है, तुमको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना, वो तुम्हारे पावर में है, वो तुम्हारी सत्ता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में वो ही सब बातें आए तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या हो, तुम्हारे घर पे कोई डाका डाले तो कैसा हो, तुम्हें कोई गालियां दे तो कैसा, तुम्हें कोई मारे तो कैसा, सही बात है ना, कि मन दुखेगा, मन से भाव निकलेंगे, वो भाव रूपक में आएंगे। क्योंकि एक बात तो है, किसी के पास लौकिक में कुछ देने या न देने के लिए ना भी हो, दो चीजें तो गरीब से गरीब या हर एक के पास होती ही है, या तो दुआ या फिर बददुआ, ये दो तो दे ही सकते हैं, पर मन से निकले हुए जो भाव है, भगवान को स्मरण करके, क्योंकि जो अंदर तक दुखी है, ठीक है ना, वो गहराई से भाव में तन्मयाकार होके जब वो कुछ कहता है तो वो आवाज पहुंचती, उसके तरंगे तो अवकाश में पहुंचती ही है, इसलिए ये भाव का न बिगड़ने देना ये बहुत अधिक मायने रखता है। तो यहां हमने चर्चा की घाती कर्म और अघाती कर्म के बारे में। मंथन का प्रश्न रहेगा इस सत्र का कि आत्मा और मोक्ष के बीच मुख्य तौर पर कौन से कर्म अवधान स्वरूप होते हैं, जो
मोक्ष के बीच में रोड़े अटकाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है ना, वो कौन से कर्म है? उसका जवाब आपको इस स्लाइड्स में या हमारी जो सिलेबस की किताबें हैं उसमें अवश्य मिलेगा, वो कौन सा कर्म है, उससे ही अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे एक और हमारे जो बड़े बड़े साहित्यिक है, भाषाकार है हिंदुस्तान के पर्टिकुलरली, उन पर कर्म के सिद्धांत का गहरा प्रभाव रहा, ठीक है ना। आर के नारायण मेरे पसंदीदा लेखक हैं, प्रेमचंद जी, ठीक है, इन्होंने जो अत्यधिक कहानियां लिखी उसमें भी कर्म के सिद्धांत को बताया। ये कहानी आपको मिले तो आप देखिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी है, मालगुडी डेज में ही आती है और बड़ी सुंदर कथा है। अब इसकी विशेषता ये है कि इन कहानियों में उन्होंने फोकस किया कि तुरंत कर्म का रिजल्ट कैसे आता है, यदि हल्के फुल्के कर्म है तो इसी जीवन में वो किस प्रकार फेर दे पाते हैं। और यहाँ पर एक पंचतंत्र की कहानी भी दी है, ये भी आप देख सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है, और ये जो ऑर्डर हमारे द्वारा दिया गया है ये कैंसिल भी नहीं होता, उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। नाम कर्म का उदय हुआ है, ठीक है ना, किसी अंग में खामी हो, हाँ पुण्य कर्म अधिक हो तो फिर डॉक्टर भी मिल जाएगा, कोई आयुर्वेदिक दवाई भी मिल जाएगी। जैसे कैदी का किसी को जेल होती है और कैदी का आचरण बहुत अच्छा रहा तो सरकार उसको सजा से पहले छोड़ देती है कि भाई 1 साल 6 महीने की सजा माफ, आपने बहुत अच्छे से रूटीन निभाया, जेल में अच्छा काम किया, किसी को तकलीफ नहीं दी, ये मान लिया जाता है कि इसमें परिवर्तन आया है, उसकी सजा कम कर दी जाती है। तो इसी प्रकार पिछले कर्म को भुगतते हुए वर्तमान कर्म अच्छे हो, ठीक है, तो फिर पिछले कर्म की इंटेंसिटी पर कुछ फर्क अवश्य पड़ता है। तो यहां मैं विराम लूंगा, दोनों सेशंस में हमने घाती अघाती कर्म के बारे में चर्चा की, जैन धर्म दर्शन इसका आधार था, और दादा भगवान के जो कोटेशंस थे वो भी हमने आप्त सूत्र के समझे। दादा का मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि भले ही तुम्हारे पास पैसा न हो, किसी से कर्जा लिया है, उसको फेरने का भाव तो रखो कि नहीं मुझे ये पैसा उधार जो लिया है, कर्ज जो लिया है, मुझे ये उसे लौटाना है। तो ये भाव के वजह से आपके पास लक्ष्मी आएगी। यदि अंदर का भाव बिगड़ने मत देना, दादा कहते हैं ये भाव रखना कि मुझे इसको देना है ना, इसका ऋण उतारना है तो मैं अवश्य उतारूंगा, चाहे जब भी मेरे पास पैसा है। तो ये भाव लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा, और ऐसा भाव जाने दो अभी वो क्या करने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है, ठीक है, मेरा क्या होगा, ना दिया तो भी चलेगा। अभी लक्ष्मी को हमने वहां पे ब्रेक लगा दिया, क्योंकि भाव बिगड़ गया तो अड़चने खड़ी हो गई। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना है और अच्छा भाव करना है। हमारे साथ लाला सर जुड़े हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि इन दोनों सेशन के कंक्लूजन और समरी वे इस पर भाष्य करें। लाला भाई पटेल सर, लाला सर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ, आवाज आती है, बिल्कुल क्लियर है सर। वेरी गुड। देखिए हम क्विकली इसका ओवरव्यू कर लेंगे। जैसे दो सेशन है, बराबर, ये कर्म का विज्ञान है, विज्ञान मीन्स कुछ सिद्धांत है, ठीक है, और ये जानने से बहुत बड़ा लाभ होता है, राइट। जैसे दुनिया में भी एक कहावत है, और लॉ की स्टडी जिसने की उसको पता होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब जब आप मनुष्य हो गए तो आप कोई LLB करने को नहीं जाता है, ठीक है ना, मगर पूरा का पूरा कानून उसको लागू हो ही जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार से गुजरात में आ गए तो गुजरात में
प्रोहिबिशन है तो उसका अगर नहीं आप पालन करोगे आपको लग जाएगा वो कानून। ऐसा कर्म का तो कुदरती सिद्धांत जो है वो समझने का प्रयास इन दो सोचों के द्वारा हमने किया है, बहुत गहन है, मगर उसको सिंप्लीफाई करके हमने जितना हमें लागू हो सके उसका समझने का प्रयास किया है सब मिलके। और आप भी इसमें कुछ आपका आप ऐड कर सकते हो, चर्चा भी कर सकते हो। और गीता में भी भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, इस एक वाक्य में खुद भगवान जब कहते हैं कि बहुत गहन है तो समझ हम कह सकते हैं कि हम पूरी की पूरी कर्म की गति को समझना बहुत बड़ी मुश्किल हमारे लिए है। फिर भी जितना ज्ञानियों ने बताया है उसको उतना सिंप्लीफाई करके बताया वो उसमें समझने की कोशिश हमने ये दो सेशन में की है। क्योंकि कर्म की जो अधिकार है, जैसे ना भगवान ने कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म का अधिकार तुम्हारा है पर फल का अधिकार तो कुदरत का है, उसका टाइमिंग कैसा होगा कब होगा कैसा देगा वो कुदरत के हाथ में, तुम्हारे हाथ में मां फल येसु कदाचन, ठीक है ना। तो इसके लिए भगवान ने कहा है, तो अब इसके लिए कहते हैं कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो अगर ह्यूमन बीइंग होके अगर हम इसमें थोड़ा बहुत भी हमें उसमें जानकारी हो तो क्या हो सकता है कि हम आगे नए कर्म का बंधन नहीं कर सकते। अगर हम देखिए जेल में आ गए हैं तो नहीं हम उस वक्त हम डिसीजन लेते भाई अभी मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, राइट। और दादाजी क्या कहते हैं कि जो क्रिया है वो कर्म नहीं, मगर अंदर के जो भाव है वो कर्म है। एक इनकी बहुत बड़ी खोजबीन है कि अंदर हमारे जो भाव है उस पर नजर रखना है। और इसके हिसाब से भाव तो आदमी क्रिया करे या न भी करे, देखिए अगर कोई यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है तो कोई उसको एंजॉय कर रहा है देखते देखते टीवी में, पर कहो बहुत लाखों कर्म का बंधन अपने लिए करता है। अभी वो वहीं घर पे ही इंडिया में ही है, घर में बैठा है, पर उसको राजी होता है लोगों को दुखी देखकर, ठीक है ना। तो ऐसा सूर्जन विसर्जन होता रहता है, इसलिए भगवान ने कहा है कि भाई हाँ तो यो अपनी जो योजना है आप योजना कुछ भी करो और उसका जो परिणाम है कुदरत के हिसाब से कुदरत के नियमों से तालमेल करके होता है। इसलिए के कर्म वृक्ष का उसका चित्र दिया गया है। इसलिए हमें समझना है कि भाई कर्म का बंधन, बंध मीन्स बंद, कर्म का बंधन कैसे होता है, वो घाती कर्म अघाती कर्म, जो आत्मा की शक्तियों को रोके वो घाती कर्म है और दूसरे जो अघाती कर्म है आत्मा की शक्तियां नहीं रोकती है मगर हमारे शरीर की लिमिटेशंस उसमें आ जाती है। तो हमारे जीवन में सुख दुख और ये सब हमारी जो हमारा जीवन की जो मर्यादा है पोटेंशियल की उसको बिल्कुल वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसीलिए दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। इसमें क्या है स्थिति, कौन से कितने समय पर ड्यूरेशन रहेगा वो कर्म का, कितनी इंटेंसिटी है, पर जितना हमारा मतलब क्रोधमान माया लोभ की इंटेंसिटी है उसके हिसाब से उसके कर्म की स्थिति बनती है, ठीक है ना, और क्वांटिटी की बनती है, राइट। उसके हिसाब से आदमी को कर्म का बंधन होता है और जब कर्म वन बाय वन ऐसे मैच्योर होता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जितने जो बुरे कर्म है उसका जो फल है तभी आएगा जब हमारे में उसका सामना करने की शक्ति ना हो, ठीक है ना। जैसे आपका कोई दुश्मन है तो आपको तभी वार करेगा कि जब आप निर्बल परिस्थिति में हो। ऐसे कर्म का भी ऐसा होता है कि आप कितने भी पैसे वाले हो कितने भी हो मगर ऐसा सर्टन कर्म ऐसे है कि जो आप उसको भुगतना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए ज्ञान आवरण किसको कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज, आपका जो डिटेल स्पेसिफिक नॉलेज प्राप्त करने की जो शक्ति है उस पर उससे आवरण आ जाता है। अब आवरण क्यों आता है, देखिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं, कर्म का नियम जानने से क्या फायदा होता है, एक तो कि भाई हमारी ये परिस्थिति को हम समझ सकते हैं। अब इस परिस्थिति में हमें जो भी हमें कर्म का आवरण आ गया या कर्म का हमें भुगतना पड़ रहा है तो हम इतना सोचेंगे कि हमारा इस जन्म में हमारा कसूर नहीं, इससे कोई इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स या गिल्टी कॉन्शियसनेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हम एक ऐसा इस ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञानी पुरुष की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ये पुस्तक से या ज्ञान से, तो हम नया कर्म के लिए ही जिम्मेदार है, पुराना जो है उसमें हम पास कर देंगे और कोई भी कर्म है उसको आपको फल देके चला ही जाने वाला है, राइट। इसमें कोई इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं पर हिम्मत की बात है कि भाई उसको जब आ गया अभी हम उसको नहीं करने वाले,
राइट, तो उसको आने देना है और शांत दबाव से उसको हम उसमें से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञानावरण कर्म का सिंपल बात है कि किसी के ज्ञान की प्राप्ति में अगर बाधा होते हो आप, तो आपको ज्ञानावरण कर्म लगता है। कहीं भी किसी तरह से किसकी पुस्तक चुरा ली, किसी को सत्संग में नहीं जाने दिया, किसी को मंदिर में नहीं जाने दिया, कुछ भी तरीके से, ठीक है, ज्ञानावरण कर्म ऐसे लगता है। हाँ, ऐसे दर्शन आवरण है। तो समझ प्राप्त, क्योंकि समझ में अभी कई लोगों को इतने देर लगती है कि समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा कि आप फिर गुस्सा हो जाके क्यों नहीं समझ रहा है, मगर उस पे दर्शन आवरण कर्म लग गया है तो वो समझ ही नहीं पा रहा, आपकी बात उसके अंदर नहीं जल रही। अब क्यों ऐसा होता है, समझने के लिए कौन सी हमारी इंद्रियां का हुआ? देखिए, हमारे को मुझे चश्मे आ गए थे करीब 20 साल का था, तो क्या है वो दर्शन आवरण है। ठीक है ना, ऐसा ऐसे कर्म होते कि हम आपके पास चक्षु होते हुए ही बराबर आपको दिखाई नहीं देगा। तो कैसे होते हैं ये सब, और सभी इंद्रियां भी, ये भी एक प्रकार का दर्शन है। इंद्रियां से आपको पता चलता है, केवल आंख नहीं, सभी इंद्रियां का ज्ञान, ज्ञान की उसको ज्ञान क्या पता चलता है। अगर किसी की नासिका अच्छी काम कर तो सुगंध दुर्गंध तुरंत पड़ता है। ऐसे जो सभी इंद्रियों का जो कैपेसिटी है उस पर जो आवरण आता है हर एक आदमी के अंदर अलग अलग, आप देखना, तो दर्शन आवरण की वजह है। जैसे नींद के प्रकार है वो भी दर्शन आवरण के हिसाब से है। तो ये दर्शन आवरण क्यों नहीं हो, ये कर्म बंधन कैसे हो जाता है कि किसी के देखने में विघ्न करता, किसी को भक्ति मार्ग में जाने से रोकता। अगर कोई दर्शन भगवान के कर रहा है और आप बीच में आके खड़े हो गए, ये सब कई चीजें हैं। किसी की आंखों को कष्ट पहुंचाना, ये तो सिंपल, वेरी सिंपल रूट तो यही है कि आप किसका जो, अगर जिसका आप कुछ भी डिस्ट्रॉय करोगे, व्यवधान डालोगे आप में, वो व्यवधान है। ठीक है, तो ये बात हमने कर दी कैसे उपार्जित होता है। रे, फिर मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म मीन्स हमें मूर्छा आ जाती है, वस्तु का या व्यक्ति का पूरा जैसा है वैसा हमें पता नहीं चलता, हम मोहित हो जाते हैं कोई भी चीज से या व्यक्ति से। ठीक है ना, तो मोहित हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका कारण क्या है, मोहनीय कर्म है। और मोहनीय कर्म तो समझ गए कि आप जैसे ये संसार में आप अगर मोहनीय कर्म कितना ज्यादा आवरण है तो आप कहीं ना कहीं मोहित हो जाओगे और कहीं ना कहीं फंस जाओगे। हाँ, क्यों, कैसा ये मोहनीय कर्म लगता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को दोष लगाने से, मिथ्या की प्रशंसा करने से, शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से, क्रोध लोभ हिंसा वगैरह से। हाँ, ये सबसे बड़ा कर्म क्या है, मोहनीय है, क्योंकि मूर्छा ही आ गई एक बार तो आप सभी कर्म करने में आपको कोई पता भी नहीं होगा कि मैं कुछ बुरे कर्म कर रहा हूँ या बुरी भावनाएं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा वो मोहनीय कर्म है। राइट, और दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। राइट, तो ये भी आपको समझाया गया है कि भाई आपको चारित्र मोहनीय में आपके आपके बाहर का जो है, राइट, इसमें भी आपको आवरण आ जाएगा और ये आपको तो आपका जो मोह का जो प्रमाण है इसकी वजह से, लाइक्स डिसलाइक्स, अब अगर किसकी मस्करी करते हैं किसी के, वो ये सब मोहनीय कर्म के कारण है। अंतराय कर्म है, ये भी वेरी सिंपल है, ऑब्स्ट्रक्शन। आप ऑब्स्ट्रक्शन करते हो किसी को सुख प्राप्ति में, मे बी इंद्रिय सुख, तो भी आपको अंतराय लगता है। जिसका आप अंतराय करते वो अंतराय आप में ऐसे बूमरैंग होता है, जैसे कोई दान दे रहा हो। ठीक है, आप देखो कई लोग करोड़पति होते हैं मगर दान नहीं दे पाते। ठीक है ना, तो दानांतराय कर्म है, कैसे पैसा है इसी से दान करता है आदमी, ऐसा नहीं है। पैसा कई लोग पाए थोड़ा है तो भी दान कर सकते, दानांतराय है। किसी कोई दान दे रहा हो उसमें अंतराय मत करो, किसी को लाभ हो रहा है उसमें अंतराय मत करना है, किसी को भोगांतराय, कोई अच्छी तरह से कुछ खाना पीना खा रहा है। ठीक है, देखो मैं मेरी बात करूं, मुझे डायबिटीज है, राइट, तो डायबिटीज क्यों हुआ, जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि किसी को हमने भोगांतराय डाल दिया है। तो आपको भी खाना पैसा होने के बावजूद भी आप
हाँ समर की सीजन में आप शिखर नहीं खा सकते हो, ठीक है ना। तो भोगांतराय कर्म ऐसा है कि आप अंदर अंदर वो कर सकते हो, उपभोगांतराय, जैसे जो जो चीज बार बार भोगी जाती है वो उपभोग कहते हैं, उसमें अगर आपने व्यवधान डाला है तो वो हो जाएगा। वीर्यांतराय में शक्ति पर आप जानते हो भी कर नहीं सकते हो, वो भी एक वीर्यांतराय बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं जानता हूं मगर कर नहीं पा रहा, ये सब अंतराय कर्म है। मैं आपको एक मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि करीब 25 साल उस वक्त मुझे ये सब पता नहीं था, तो मैं जब बीमार पड़ू तो करीब संडे को आफ्टरनून या संडे को ही बीमार पड़ता। फिर मुझे पता चला कि ऐसा क्योंकि संडे को, फिर मुझे उस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं मिलते संडे को, मोस्ट ऑफ दिस डॉक्टर्स आर क्लोज, ठीक है ना, तो संडे को ही बीमार होते हैं। तो आपका क्या है, वो डॉक्टर का अंतराय है, किसी को डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, ठीक है, और उसको गालियां दिए कि एलोपैथी तो ऐसी है ऐसी है वैसी है, ये दवा नहीं खानी चाहिए, नहीं बोलते अभी व्हाट्सएप से आप बोलते हो ना, मगर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एक एक बार मुझे ऐसा हुआ कि काली चौदस के उस दिन मुझे कुछ डिसेंट्री हो गई थी, हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड थे उससे दवाइयां ली, फिर दवाई शाम को ली और रात में उसका रिएक्शन आ गया। अब चौदस की रात को आप कहाँ से डॉक्टर को ढूंढोगे, हमने वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा हिम्मतनगर, वहां इतना ढूंढा, रात को कोई डॉक्टर नहीं, सब डॉक्टर क्या है दिवाली के दिनों में घूमने को चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपको अंतराय आ जाता है, पर तब मुझे पता चला कि मैं आयुर्वेद का प्रशंसक हूँ, तो मैं एलोपैथिक को गालियां दे रहा था, दिस वॉज द रीजन, राइट। तब मुझे जब पछता हुआ कि ये रीजन है, और नहीं मानो उस वक्त एक दवाखाना में लाइट चालती, रात के 2 बजे सब इमरजेंसी कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था उसके पास हम लोग गए और उसने कुछ दवा दी। तो ऐसा होता है, मतलब कि ये जो हमें कहीं भी दुख आता है अंतराय आते हैं तो हम ही जिम्मेदार है। अब क्या कर सकते हैं कि हम इसको जान लेंगे तो अभी नए से सिरे से नहीं करेंगे, और नए सिरे से नहीं करने अगर जब आपने डिसीजन लिया तो उसी वक्त वो टूटने भी लगता है, ठीक है ना। एक दोस्त के घर हम लोग गए थे करीब ये भी 30-35 साल के, पंचमहाल जिले में, तो वो दोस्त तो बाहर के सर्विस करता था सूरत में, अगर हम उसके गाँव गए तो उनकी माता जी ने मुझे कहा कि ये तुम्हारा दोस्त है उसको लड़का हुआ है और हम गांव वालों को खाना खिलाना चाहते हैं, और तुम्हारा दोस्त कहता है कि ऐसा खर्चा क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कुछ कहो कि एक ऐसा हमें खर्चा करना दे, वी वांट टू सेलिब्रेट दिस ग्रैंड सन्स बर्थ। अब मैं थोड़ा गांधीवादी था तो मैंने कहा कि माता जी ऐसा क्यों खर्चा कर रही हो, हमारा दोस्त कहता है सही बात है, ऐसा खर्चा फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। आप नहीं मानो उस दिन मुझे खाना ही नहीं मिला। गोधरा में मैं गया तो बोलते अभी तो लॉज बंद हो गए, ठीक है, फिर हमने चला चलो दाहोद में खाना मिला। तो गोधरा से दाहोद आपने पता हो कितना दूर है, अराउंड 80 किलोमीटर में भी मोटरसाइकिल पर गए उस वक्त, तो दाहोद पहुंचे वहां भी वो तो विलेज ओरिएंटेड है उस जमाने में, तो वहां भी रात को खाना नहीं मिला, भूखे सो गए फिर नींद तो नहीं आएगी। उस वक्त पता चला कि जो कल हमने कहा था कि किसी को खाना खिलाने फिजूल खर्ची मत करना, तो हमें तुरंत ही, ठीक है, दूसरे दिन ही फल मिल गया। तो ये जो अंतराय कर्म है उसमें खामखा हम लोग ऐसे अंतराय कर्म करते हैं बेवजह के, राइट, इससे बचेंगे तो बहुत फायदा, ठीक है। तो अगाती कर्म की बात इन्होंने आपको समझाई सातावेदनीय की, देखे ना, वेदनीय साता और अशाता, इंद्रिय सुख दोगे तो इंद्रिय सुख मिलेगा, इंद्रिय दुख दोगे तो इंद्रिय दुख मिलेगा, मगर समझना है कि इंद्रिय सुख भी ये टेम्पररी है, और इसमें भी ज्यादा अगर हो जाए तो उस पर अभाव हो जाता है, राइट, इतना समझना है इसमें वेदनीय कर्म में, राइट। तो ये 2 प्रकार के कर्म है, साता और अशाता। फिर आयु कर्म की बात कही, कितनी लंबी अवधि है वगैरह वगैरह, और कौन से प्रकार का आयुष मिलता है मनुष्य देव तिर्यंच वगैरह, राइट। फिर 4 गति नरक तिर्यंच मनुष्य देवायु, वो अपनी ही सर्जन है, अभी हम मनुष्य है तो मनुष्य में क्या है, सर्जन विसर्जन दोनों है, हम कर्म का सर्जन भी करते हैं विसर्जन भी करते हैं, तो कहाँ ध्यान रखना है, सर्जन में ध्यान रखना है। विसर्जन तो हो रहा है वो तो आपका पूर्व कर्म है, मगर विसर्जन में वी हैव द अथॉरिटी कि हमें क्या करना है, ठीक है। फिर आ गया नाम कर्म, नाम कर्म तो बहुत बड़ा और बहुत गहरा है, पर इसमें इतना ही
शॉर्ट में कह सकते जो कुछ भी आपको बाहरी चीजें मिली है इंक्लूडिंग बॉडी राइट, मान सम्मान शरीर का रचना निरोगी पता रोगी हाँ ये इस सब इसमें आ जाता है, ये शुभ या अशुभ कर्म का फल राइट। शुभ या अशुभ कर्म में शुभ या अशुभ भावना, जैसे हमने बताया ना कि वॉर में आपको अशुभ भावना होती है, आपको कुछ लेना देना नहीं है यूक्रेन से या रशिया से, आप जाने वाले भी नहीं हो, मगर आप अब सोचते हो कि रशिया को यूक्रेन पर बॉम्ब डाल देना चाहिए। अगर आपको ऐसा भावना हो रही है तो इतना बहुत बड़ा आप बॉम्ब नहीं डाल रहे हो, फिर भी बॉम्ब डालने में आपकी अनुबोधना हुई तो इससे आपको बहुत बड़ा दोष लगता है। और शायद अगर ये इस जमाने में संभव ना हो मगर करीब दूसरे जन्म में अगर बॉम्ब डालने का अगर ड्यूटी आ गई तो आपकी वहां नौकरी लग सकती है। इतना मैटर है राइट, बिकॉज डिसाइडेड दैट आई वांट टू दिस शुड बी डन, नेचर सेज ओके यू डू इट इफ द टाइम कम्स। आपके टाइम से नहीं हुआ, कुदरत के टाइम से होता है राइट। तो नामकर्म बहुत डिटेल में है, और नामकर्म में सबसे एक चीज ये है कि कई बार मैंने देखा है कि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अपने बॉडी की वजह से राइट, कि मैं ऐसा अपने अपीयरेंस के, आप जिसको पर्सनालिटी बोलते हैं राइट, तो ये रखने की कोई जरूरत नहीं है। नाम कर्म क्या है, वो रिजल्ट में आ गया है, तो इसीलिए बिल्कुल हमें जो भी मिला है, जितनी हाइट मिली है, जो भी वर्ण मिला है, जो भी सरनेम मिली है, इसमें कुछ गिल्टी कॉन्शियस रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा मिला है तो इसका गौरव या गर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गर्व करोगे और हद से ज्यादा गर्व हो गया तो आप दूसरे का तिरस्कार करोगे ही राइट। तो इसीलिए फिर कुदरत आपको वो तिरस्कृत होंगे ऐसा नाम कर्म देती है राइट। तो बैलेंस कर, कुदरत ऑलवेज क्या करती है, बैलेंस करती है। जब आप नॉर्मलिटी से कुछ भी किया वो बैलेंस कर देगी राइट। किसी के आपने को हंसी मजाक किया, वो कोई नाटा है तो आपको भी वैसा मिल जाएगा राइट। इसीलिए ज्ञाति आपकी बहुत अच्छी ज्ञाति है, हमारे यहाँ अभी क्लास में वल्लभ जी बैठे हैं, वो बहुत बड़े कराने के हैं राइट, पंडित है वो खुद, मगर अब पंडित हुए अगर डिस्ट्रिक्ट कोई आदिवासी की आपने मस्करी किया तो हमें नीच क्रोत्र मिलता है। हम ये जाति वाति के समझना क्या है कि इसको शुरू से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको उच्च गोत्र मिलता है तो कम संघर्ष से आपको मान सम्मान सब मिलता है और पढ़ने लिखने की सब सुविधा मिलती है, और आपको एवरी टाइम यू नीड नॉट गो टू प्रूव इट राइट। आपका जो स्टार्टिंग माइल ही अलग होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये बिल्कुल निष्पक्षपाती भाव से तरीके से ज्ञानियों ने हमें बताई है कि ये नाम कर्म और ये सभी जो कर्म है ये कुछ भी देखिए। आपको डिटेल में चंद्रकांत जी ने समझाया तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ राइट। किसी को बार बार फ्रैक्चर होता है आपने देखा हो, तो बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, किसी को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है राइट, किसी की इम्यूनिटी कम है, सब नाम कर्म है। यश अपयश तो बहुत है, आप अच्छा कर दे तो भी यश नहीं मिलता है और नहीं बुरा कर दे तो भी अपयश मिलता है। तो क्या कारण है, किसी को हमने बेवजह यश दिया, अपयश दिया है, या किसी को यश में हमने व्यवधान डाला है, तो हमें यश, ये सब चीजें बहुत समझने लायक है। वर्ण गंध नाम बिन जरूरी आधे नाम कर जो है वो भी बहुत बड़ा है। आप कई लोगों को आपको उनको देखते ही आपको उस पर आदर होता है, उत्पन्न हो जाता है, वो उसका आधे नाम कर्म है। और कई लोगों ने कुछ भी आपका बुरा नहीं किया फिर भी उसको आप टालने का प्रयास करते हो तो अनादे नाम कर रहे हो राइट। तो इसमें हमें थोड़ा राग द्वेष न हो जाए ये ध्यान में रखना है। ये जो हड्डिया का जो प्रकार है वो युग के हिसाब से होता है। पुराने युग में बहुत स्ट्रांग हड्डिया थी और धीरे धीरे जब युग का डाउन होता है तो कलयुग में सबसे वीक हड्डिया है, और दिन दिन हड्डिया इसमें अभी कई लोगों की ज्यादा वीक होती है, तो ये सब कहते हैं राइट। गात उपगात ठीक है, सब तो ये बात हो गई। चाल है किसी की, किसी का जो आवाज है राइट, मधुर और नहीं मधुर है राइट, सुनने का पसंद होता है। कई लोग बोलते हैं तो हमें लगता है कि चलो बोले ही जाए वो, मैं हम सुनते ही रहे, तो ये उनका ऐसा नाम कर्म है राइट। फिर
पुत्र कर्म की बात हो गई, ये हो गई, बस इतना ही कहना है। किसी को कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक चीज पर रोशनी डालिए, हमने कर्म बंध देख लिए, ठीक है ना, यानी समस्या का हमने विस्तार से चर्चा कर ली, अब इसका एंटीडोट क्या हो? हाँ देखिए, ये हमारा क्लास क्या है, वो विज्ञान का क्लास है ना, होलिस्टिक साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग। तो कोई भी विज्ञान है उसके एंटीडोट का बहुत महत्व है। हमने एक डायग्नोसिस की बात, अब ये जो दो क्लास थे हमारे वो डायग्नोसिस के थे, राइट। अब एंटीडोट क्या है कि एंटीडोट यह है कि किसी भी ऐसा अगर हमारे जीवन में बनता है तो उसको एंटीडोट क्या करेंगे कि उसके हिसाब से हम लोग अपने अंदर के परमात्मा को या अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं किसी के घर गया, ठीक है, और मुझे कोई मेरी अवगत नहीं हुई, राइट, तो मुझे समझना है कि मेरा या मैंने किसी का ऐसा किया है, तो मैं अपने अंदर के आत्मा को माफी मांगूंगा कि अब तो मुझे याद नहीं कि कर्म कैसे हो गया था, हाँ, मगर मैं माफी मांगता हूँ कि अब से मुझे मेरे घर कोई भी आएगा तो मैं उसे प्यार से आदर सत्कार करूंगा, और पिछले जन्म में कुछ भी ऐसी गलती हो गई है, वो तो गई है, तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। बस ये करते चले जाए तो आप देखेंगे कि आपको नया कर्म अच्छा बनता है। और दूसरा क्या है कि प्रार्थना करने की, तो इसलिए ये जो दादा जी को ये बात पूछी गई थी, तो इन्होंने नव कलम नाम की प्रार्थना दी है। नव कलम थी, भगवान के पास कौन सी शक्तियां मांगनी है, ठीक है ना। और एक दसवीं भावना है, दसवीं भावना क्या है, एक कि हर रोज सुबह में आपकी बेड में जब खड़े होते राइज तब प्रार्थना करनी है अपने भगवान को कि मेरी मन वाणी या काया से किसी को दुख ना हो, राइट। इससे शुभ नाम कर्म का मतलब कि अपना उपार्जन होता है, तो ये सब चीजें हमें लाभ होता है। और नव कलम की जो प्रार्थना है और ये जो दसवीं भावना है, इतनी बड़ी परफेक्ट है, दादा भगवान ने स्वयं दी गई है, इसलिए इसके बाद ही इसका सेशन रखा गया है जो एंटीडोट का काम करता है, राइट। कहीं भी हम ऐसा ये जो इतने कर्म दिखाए गए उसमें पश्चाताप या प्रतिक्रमण जिसको बोलते हैं और फिर से नहीं करने का अगर निश्चय कर देते हैं तो इसी जन्म में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा, राइट। और जो कर्म है उसकी असर तो अभी की अभी आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बुरा कर्म, देखिए हमारा किसी ने चोरी कर लिया कोई चीज, राइट, ये पता करने से हमें क्या होता है कि चलो भाई हमने किसी की चीज को चुरा ली होगी, ठीक है ना। अब जो हमारी चीज चुराता है उसकी हमने नहीं चुराई है, मगर किसी की चुराई थी, तो ये आदमी इसका निमित्त हो जाता है, राइट। सिंपली इट इज लाइक ए डिलीवरी बॉय, राइट। दादाजी कहते कि अगर हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए ऐसा कोई लेटर लेके आए तो उसको नहीं मारना चाहिए, उसको तो निमित्त है। सिमिलरली हमें जो कर्म की डिलीवरी करते हैं वो निमित्त है, उनका ही हमने ऐसा किया है, ऐसा नियम नहीं है। वही आदमी वही जीव आपको परिणाम देगा ऐसा नहीं होता है, राइट। आपके इर्द गिर्द वाले, जैसे आप पे नहीं हो तो कुरियर किसी को टपाल देगा, घर के घर वालों को दे देगा ना, या तो पड़ोसी को दे देगा। तो ऐसे हमारे सब कर्मों की डिलीवरी आजू बाजू से होती है। अब ये डिलीवरी होते समय अगर हम दो चीजें ध्यान में रखें कि ये हमारे पूर्व धर्म कर्म का फल है, राइट, तो हम दूसरों को दोष देना बंद करेंगे। क्योंकि अगर दूसरों को दोष देंगे, जैसे कि हम पोस्टमैन को आप मारने लगोगे तो आपको गवर्नमेंट सर्वेंट को पीटने का और गुना लग जाएगा। इसीलिए ऐसी तरह से ये समझने में बहुत फायदा होता है कि एंटीडोट कौन से है, कि दूसरा निमित्त है ये, जो अगर समझना कर्म हमारा खुद का है और ये जन्म का नहीं, इसलिए इन्फेरिटी भी नहीं होनी चाहिए, राइट। मगर अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करेंगे, ये समझना बिल्कुल, दादाजी कहते कि आप रकम पर से जवाब ढूंढ सकते हो, राइट। तो जैसे हमारे जन्म में हमारे जीवन में कौन से कर्मों का फल आता है उसके हिसाब से हमको पूर्व जन्म का भी पता चल जाता है कि हमने ऐसे ऐसा किया होगा,
राइट, अब इस वक्त हम निर्दोष है क्योंकि अब इस नहीं करना चाहते, फिर भी वो जो पाइपलाइन में जो स्टॉक है वो तो आएगा ही आएगा, वो जो स्टॉक आते वक्त अगर आप दूसरे को दोषी ठहराते हो तो फिर से नया कर्म बंधन हो गया, जैसे आप पोस्टमैन को पीटने से होता है ऐसा, राइट, ऐसा हर रोज को हर रोज ये सब साफ सफाई करते रहने से इसी जन्म में आपको यू विल फील सो मच रिलैक्स्ड, राइट, एंड लाइटर, राइट, क्योंकि यू आर नॉट एक्रूइंग न्यू कर्मास व्हाइल अंडरगोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ओल्ड कर्मास, दैट इज द पुरुषार्थ, वो हमारे कंट्रोल में है, राइट, तो इसीलिए मनुष्य जन्म की ये सार्थकता है और ये ज्ञान की भी ये सार्थकता है, इस चंद्रकांत जी, इसलिए नवकलम का सक्सेसन हमने इस बात रखा भी है, राइट, और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गीता ठक्कर मैडम कुछ कहना चाहती थी? हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ। बोलिए। हाँ, मैं ये जो अपन कर्म की बात कर रहे हैं, हमने कर्म किए हैं, हमें ये ज्ञात तो नहीं है, हमारे बुरे कर्म की वजह से हमको इस जन्म में दुख मिल रहे हैं जी, ये भी बात सही है, पर यदि हम इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए, यदि हम, आपने जैसे कहा कि दवाइयों का सहारा लेते हैं या ये का सहारा लेते हैं, पर कई बार क्या होता है कि हम दूसरी चीजों में फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं, हमको ये डॉक्टर अच्छा नहीं लगा, दूसरी बार हम दूसरे डॉक्टर को पसंद करते हैं, तो ये सब क्या हमारे कर्म के बंधन होंगे? जैसे हमें ये डॉक्टर से ठीक से राहत नहीं मिली, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, ये डॉक्टर से भी ठीक नहीं लगा, तीसरे डॉक्टर के पास गए, तो ये क्या हमारे कर्म के बंधन होंगे कि हम ये डॉक्टर की? ऐसा क्या होता है कि नहीं तो आपको फर्स्ट स्ट्रोक आपको सही डॉक्टर मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो दूसरा ऐसा, ठीक है, तो ये बात सही है कि की वजह से होता है कि पहली बार वो नहीं मिलता है, कई बार आप देखना, और कई बार अभी, अरे उसे वो भी थोड़ा बहुत गहन है, एक बार कई बार मुझे अनुभव है, आपको भी शायद होगा कि कई बार डॉक्टर को मिलो, उसकी फील दे दो, कुछ पैसा की दवा दे दो, फिर दवा नहीं लो तो भी आपको ठीक हो जाएगा, सही बात है कि आप उसका कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, राइट, तो हाँ सर, यस सर, बहुत गन है सब, मर होता है, सही बात, कई बार हमको पहले फर्स्ट लोग अच्छा डॉक्टर मिलता है, जैसे आपने बताया था कि आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई, हाँ सर, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई, एलोपैथिक दवाई, सभी में कूदते रहते हैं हम लोग, हाँ कुछ ना कुछ, देखिए हर एक में कुछ ना कुछ, हाँ हर एक एलोपैथी या कुछ भी, हर एक की अपनी अपनी विशिष्टता है और हर एक की उपयोगिता है, तो जैसे मेरा, मैं इतना स्टॉन्च था कि मैं एलोपैथी को गालियां देता था, मेरा बहुत बुरा अनुभव था, फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है, तो क्योंकि दूसरी जो चीजें है आपको जरूरत नहीं है तो आप मत लो, मगर ऐसा मत करो, राइट, नहीं तो आपको जब जरूरत होगी, यानी इमरजेंसी में एलोपैथी के सिवा रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, क्या करोगे, देयर इज नो वे, तो इसके लिए समता रखना है, ठीक है, और हर एक चीज अपनी जगह ठीक है, किसी पर इतना तिरस्कार नहीं होना चाहिए, सत्य का इतना आग्रह नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे का वो कर सके, ठीक है, हाँ जी, सर एक दूसरी बात पूछनी है, ये जो हम अपनी, सर ये जो स्लाइड बनाते हैं हम लोग, वो स्लाइड हम किस बुक से बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा तो बुक में कर्म के सिद्धांत में इतना सारा कुछ नहीं है जितना आप समझा रहे हैं, सारा नहीं है, हमने नेट पर से निकाला है, वो नेट पर से निकाला, एक पीडीएफ है, मैं चंद्रकांत सिंह को भेजूंगा, एक कोई सागर मलजी ने थोड़ा बहुत स्टडी किया इसमें, सागर मलजी वाला आर्टिकल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें से हमने ये बनाया, ठीक है, तो मैं आपको चंद्रकांत सिंह को भेजूंगा, वो ग्रुप में रख देंगे, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चलिए मेरे मन में एक जो भाव आ रहा है मैं शेयर कर दूं, लाला सर, जो हम अत्यधिक राग रखते हैं किसी से या अत्यधिक द्वेष रखते हैं, तो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि वो ही फिर हमको एज अ रिलेटिव बन के हमारे पास आ जाता है, जिससे हमने बहुत राग रखा है, हाँ राग द्वेष के बारे में थोड़ा बताइए ना,
राग द्वेष में क्या है कि देखिए सूखा देव पातंजल योग सूत्र में आपने पढ़ा होगा, सुखानुसही राग है ना, दुखानुसही द्वेष है। आप जिसमें सुख मानते हो हाँ। या नहीं है वो अलग चीज है, वो मोहनीय कर्म के हमने जो पढ़ा ना सही बात, उसके हिसाब से आपको उसमें सुख लगता है राइट, सही है व्यक्ति वस्तु में, तो फिर वो उसको आप पाने की इच्छा करते हो, और अगर पुण्य का साथ मिल जाए तो आपको मिल जाता है। अब राग में क्या, वस्तु के राग पर इतना जोखिम नहीं है जितना व्यक्ति पर राग, क्योंकि व्यक्ति पर राग होने से क्या होता है कि राग से आपको एक्सपेक्टेशन खड़ी हो जाती है, हमेशा एक्सपेक्टेशन के बिना राग नहीं होता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, इन रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू माई लव फॉर हिम और हर, ही और शी शुड रेसिप्रोकेट इन दिस वे और दैट वे, और शुड नॉट रेसिप्रोकेट दिस वे और दैट वे। नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट। दादाजी कहते हैं कि दो आई एक जगह नहीं रह सकते हैं राइट तो हर एक का लाइक डिसलाइक अलग होगा, तो इसलिए अत्यधिक राग होने से आपको इस पर इतनी अपेक्षा बढ़ जाती है कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, इतने सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है जिससे वो आदमी या और लड़ी सी सफोकेशन होता है उसको, फिर उसको आपके प्रति अभाव हो जाता है, तो राग से द्वेष उत्पन्न हो जाता है, बियॉन्ड नॉर्मल राग से ज्यादा अगर राग हुआ तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अब द्वेष उत्पन्न हुआ तो इसलिए कर्म बंधन हो गया, तो द्वेष मूल सबका मूल क्या है, द्वेष है, तो इसीलिए आपको पनिशमेंट की वजह से वो ही आदमी को अगर अत्यधिक जिसके साथ है वो आपके घर में जन्म लेगा और आप उससे राग करेंगे तब वो बैलेंस होता है, क्या बात है? पर उस वक्त अगेन वो आप यू विल फॉल इन दैट साइकिल ना, विशेष साइकिल, फिर से द्वेष होगा। आप देखना जितना नदी का संबंध है उतना ज्यादा अगर अनबन होती है तो उतना ही ज्यादा द्वेष होता है, तो नॉर्मलिटी करने के लिए कुदरत आपको फिर से मिलना भी है तो इसे राग द्वेष का चक्कर है, इसमें से नॉर्मलिटी से निकल सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन वी कैन डेफिनेटली वी हैव टू कंट्रोल द एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द अदर एंड ही इज नॉट बाउंड टू डू टू कॉम्प्लाई योर ईच एंड एवरी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बहुत अहम चीज है, बहुत बहुत धन्यवाद। रीटा मैडम को कुछ कहना है? हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ, अभी पुत्र के बारे में मैंने सुना था कि कई ऐसे पुत्र होते हैं जो खाली कर्ज चुकाने आते हैं, कई ऐसे पुत्र होते हैं जो खाली अपना बदला लेने आते हैं, वो शत्रु पुत्र कहलाते हैं। इस तरह से मैंने एक पूरी थियरी पढ़ी थी, पुत्र जो जन्म लेता है हमारे घर में, हाँ उनके उनका हमारा जो कर्म बंधन होता है वो उस तरह से हमको मिलते हैं पुत्र, भाई हमारा कर्ज चुकाने आते हैं, हमारी सेवा करते हैं, या कई ऐसा होता है जो हमको छोड़ के चले जाते हैं, जो हमको जीत देते हैं, छोटी उम्र में मर जाते हैं, ये सब तो ये थियरी भी कर्म के बंधन के कारण ही होती होगी, कर्म के बंधन के कारण ही होती है। रीटा बहन आपकी बात सही है, और वो जब परिणाम आता है तब पता चलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लड़का 25 साल के बाद वो फल देखा, तब तक तो आप नहीं तो उसको पालोगे पोसोगे भी नहीं ना, हाँ। जब आप उसको बड़ा करोगे और जब आपकी उम्र जब होगी 65 या मेरे जैसी, तब वो फिर उसको हो गया। तो हमारे एक दोस्त कहते हैं अगले सेशन में कि अनाथ आश्रम से ही वृद्धाश्रम होता है, वृद्धाश्रम से अनाथ आश्रम होता है, जो बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं तो फिर उनको माँ बाप दूसरे जन्म में छोड़ देते हैं, क्या है हमें अपनी ड्यूटी बजाना है बस, विदाउट एक्सपेक्टिंग, ड्यूटी अपनी बजाना है कि हम मदर है हम फादर है तो हमें हमारी ड्यूटी बजाना है, उसको कहके नहीं दिखाना है, उसको पढ़ाना लिखाना शादी करवाना सब करना पड़ता है और प्यार से करना है राइट, तो हम क्या करते हैं जा चुका रहे, एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग एनी ऑब्लिगेशन, वो उसने पूर्व का हमारा हमको किसी ने बड़ा किया ना, हाँ। तो जो कर्जा चुकाने की सिस्टम है तो एक्चुअली इसमें कोई हमें उसको कह के भी नहीं दिखाना कि हमने उसने तुम्हें इतना पढ़ाया तुमने, ऐसा नहीं है, वी आर डूइंग अवर ड्यूटी एज अवर पेरेंट्स हैव डन अवर ड्यूटी, ठीक है ना, हाँ ओके हाँ थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाला सर की उपस्थिति की वजह से ये जो दहन विषय था वो काफी सरल हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी।
सो लाइव डिस्कशन राइट. थैंक यू. अगले सत्र में मिलेंगे. नवकलम प्रार्थना. जय सच्चिदानंद. जय. इससे कनेक्टेड है तो जरूर जुड़ जाइए. नाउ 9 डायमंड्स ऑफ एवरीडे प्रेयर. नेहा मैडम वो सेशन देगी. आप सभी का स्वागत के लिए हम उत्सुक रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.